हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर मैसेज कर रहे सर KBS PGT का और TGT का कटअप बताइए। मैं आज आपके सामने KBS PGT का कटअप लेके आया हूँ। TGT के लिए ऑलमोस्ट मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा और एक KBS TGT और PGT का जो एग्ज़ाम हुए थे 23 का, उस पर आधारित है। आइए हम चलते हैं अपने कटअप वाले सेक्शन में, जहाँ पर मैं बताऊँगा कटअप क्या होंगे पिछले साल की तुलना करके। और उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो आऊँ इसके लिए आप अपने बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें नीचे, जिससे कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं कटअप। जो कटअप वाइज होंगे मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा। ओके, आइए हम आपको आज कटअप बताते हैं और कटअप पर बात करते हैं कि KBS PGT 2018 में कितनी कटअप जाएगी सब्जेक्ट वाइज। बेसिकली यहाँ पर मैं दो सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी तक जितने भी आंसर मिले हैं हमारे कमेंट बॉक्स में सब पूछ रहे थे दो सब्जेक्ट, इंग्लिश और हिंदी। यह मैं पिछले साल के कुछ कटअप के मार्क्स बताना चाहता हूँ। पिछले जो हमारा साल कटअप गया था इंग्लिश के लिए 136 गया था। 136 किस में गया था? टोटल इसका था 200 में। 200 में आपका गया था, 136 नंबर गए थे, और 136 गए थे जनरल के लिए, और OBC के लिए 129, SC के लिए 119, ST के लिए 122, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 122 हमारी कटअप गई थी। अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी के लिए गई थी 144, जो 144 सबसे अधिक कटअप गई थी, ये 200 में गई थी। अगर 200 में 144 गई थी जनरल की, 143 OBC, क्योंकि OBC और जनरल में ज़्यादा अंतर का नहीं आता है। ठीक, अब इसमें देखिए 134 गई थी SC की, और एक ST की गई थी 133, और एक फिजिकल हैंडीकेप्ड की भी 133 थी। ये हुई हमारी पिछले साल की कटअप की बात। इसमें और भी सब्जेक्टों के कटअप है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स की 118 गई थी, केमिस्ट्री की 143, फिजिक्स आई थिंक सबसे कम गई थी KBS PGT की। PGT इकोनॉमिक्स 130, कॉमर्स की 121, PGT मैथ की 132, बायोलॉजी की 143, और हिस्ट्री की 132 गई थी। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें जनरल कैटेगरी में इतनी कटअप गई हुई थी। अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जो हम लोग का पैटर्न रहा एग्ज़ाम का, और इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे? 150। आपके सामने 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2007 की अगर बात करें तो 2017 में आपको मिले थे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में इतनी कटअप गई थी, इंग्लिश की 136 गई थी। अगर हम 2018 की बात करें तो यह 150 क्वेश्चन टोटल थे। इस चीज़ को देखिएगा, यानी 50 क्वेश्चन कम थे। और पेपर का जो स्टैंडर्ड था उसको ध्यान में रख के अगर हम बात करें पेपर के स्टैंडर्ड को, तो पेपर का स्टैंडर्ड भी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड KBS ने इस बार बनाया था। तो इस स्टैंडर्ड पर अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ अच्छे ईजी क्वेश्चन थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड के थे। एक लेवल पे थे कि जो कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को कर सकते हैं। अगर उस लेवल पे जाके हम कटअप की बात करते हैं क्वेश्चन पेपर मिला के, तो पिछले साल का कटअप देखें तो 66% गया था, परसेंटेज के हिसाब लें तो। और उस साल पेपर थोड़ा सा एवरेज पेपर रहा, लेकिन इस साल पेपर का स्तर ठीक ठाक पूछा गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कटअप, इसको आप लोग कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, आप लोग कमेंटों में बता सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा कटअप बता दूंगा तब हमारे काफ़ी लोग सब्सक्राइबर को स्टूडेंट कहेंगे सर कम कटअप बता रहे हैं, कम कटअप बताएंगे तो कहेंगे कि ऐसे, लेकिन मैं वास्तविक कटअप बता रहे हैं। आप लोग आंसर की आएगी या कटअप जब आएगा तो देख लीजिएगा। बहुत से सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में कर रहे थे कटअप की, तो जो हमारा जनरल की रहेगी कटअप, देखिए जनरल की कटअप जो रहेगी, जनरल की कटअप की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट आप 95 से 100 क्वेश्चन, 95 से 100 क्वेश्चन में आप इंटरव्यू देंगे। अगर OBC की बात करें तो यह 92 से 95 के बीच में रहेगी OBC। ठीक, OBC 92 से 95 रहेंगे। अगर SC की बात करें हम, SC की, तो SC कैंडिडेट 87 से 93, ST की बात करें तो ऑलमोस्ट वही रहता है 86 से 92, और अगर फिजिकल है
अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो फिजिकल हैंडीकैप में भी कटअप वही 2-3 नंबर नीचे आ सकती है। फिजिकल हैंडीकैप में 85+ वाले जितने हैंडीकैप्ड हैं पीजीटी इंग्लिश में, स्पेशली पीजीटी इंग्लिश में वो सब इंटरव्यू देंगे। 85+ वाले इंटरव्यू के लिए हैं। ये हमारी एक सेपरेट कटअप थी जिसमें हमने जनरल की और OBC की और ST की कई लड़कों से मिल के बात करने के बाद ये कटअप बताई गई है। और इसी क्रम अगर हिंदी की पीजीटी की बात करें तो आप लोग इसी नंबरों में 5 नंबर और अधिक जोड़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश पीजीटी और हिंदी पीजीटी में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन का ही अंतर रहता है, ठीक। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जनरल OBC में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, जितनी जनरल की रहेगी 85 उसी में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ये था आज का हमारा कटअप का वीडियो। आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कटअप की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये कटअप की वीडियो अच्छी लगी हो और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर चाहते हैं अपने नंबर KBS में आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।